బాగి నుండి వచ్చే బుల్లెట్ తాగేది ఎప్పుడో తెలుసా? అది పట్టుకున్న వాడిని తాకినప్పుడు. वेलकम बैक टू आर चैनल प्रतिक्रिया. मैं हूँ श्रुति और आज मैं अपनी प्रतिक्रिया देने वाली हूँ एक न्यू मूवी के ट्रेलर पे. हम साथ में ही वो ट्रेलर देखेंगे और ये ट्रेलर एग्जैक्टली कौन सा है आपको टाइटल देख के पता ही चल गया होगा. ये मूवी है ईगल और इसका ट्रेलर आया है कुछ दिनों पहले, तो इस पर हम लोग आज रिएक्ट करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे. लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप भी अगर मेरी तरह रवि तेजा जी के फ़ैन हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. इस मूवी में एक्चुअली रवि तेजा जी है, इसलिए ही ये बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी है अब तक. एंड ऑफकोर्स ये साउथ की मूवी है तो, और एक्शन भी होगा तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोग इसके चर्चे लोगों में इसके चर्चे हैं. एंड इसके फर्स्ट लुक से, जब से ये आया था इसका फर्स्ट लुक इस मूवी का, तो तब से ही मतलब हाइप बिल्ड हो गया था. एंड अभी ट्रेलर में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये वर्थ द हाइप है या फिर क्या है, ये तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया पता चलेगा ट्रेलर देख के. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. रवि तेजा जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छे हैं. उनकी एज जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आती. उनकी एक्टिंग, उनका एक्शन, उनका मतलब पर्सनालिटी इतनी बहुत एकदम डैशिंग है. तो हर एक मूवी में ना कोई भी रोल हो वो अपना एक एलिमेंट उसमें डाल देते हैं, तो बहुत ही मतलब वो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई एक्टिंग कर रहा है कुछ, ऐसा लगता है ये रियल में ही ऐसे है. मतलब ये हीरो ही है, रियल में वो एक्शन भी कर रहे हैं, सॉलो को ढो रहे, तो ऐसे ही लगता है कि हाँ यार ये तो रियल में ही कर रहे हैं. इनको, इनके लिए ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं, ये बहुत पॉसिबल है. तो आप भी अगर मेरी तरह फ़ैन है, आपको भी क्या मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. आप भी अगर एक्साइटेड है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. तो बिना किसी देरी के चलिए कर लेते हैं ये वीडियो स्टार्ट. ट्रेलर देखेंगे क्या लगता है. मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखा है, ट्रेलर ना टीज़र कुछ भी. हम साथ में देखेंगे एंड देखते हैं फिर क्या मेरी प्रतिक्रिया होती है इस ट्रेलर के रिगार्डिंग. चलिए कर लेते हैं स्टार्ट. लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कर लेना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ये वीडियो एंड तक देखना और लाइक जरूर करना है. తుపాకీ నుండి వచ్చే బుల్లెట్ తాగేది ఎప్పుడో తెలుసా? అది పట్టుకున్న వాడిని తాకినప్పుడు. విశ్వం మింగుతాను, విశ్వం తిరుగుతాను, ఊపిరి ఆపుతాను, కాపలా అవుతాను. విధ్వంసం నేను, విధ్వంసం నాపే వినాశనం నేను. నాకు గన్ అంటే అసహ్యం, బుల్లెట్ అంటే భయం. నువ్వు వచ్చాక మొత్తం మారిపోయింది. హీస్ ఎ రూత్లెస్ అసాసిన్. వాడి ట్రాన్సాక్షన్స్ టర్కీ, జర్మనీ, జపాన్ వెళ్తున్నాయి. హీస్ నాట్ ఆర్డినరీ. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడిని పట్టుకోవాలి? మేము లాస్ట్ 10 ఇయర్స్లో ఇంత ఫ్యాంటసీ యాక్షన్ స్టోరీస్ ఎప్పుడు వినలేదు మేము. ఆ కాఫీర్ని ఎలానైనా పట్టుకోవాలి. ఏరా, ఇడు దేశం మొత్తం కయ్యం పెట్టుకున్నాడా ఏమి? వీళ్ళందరినీ కంగారు పెట్టింది మత్తో ప్రాంతమో కాదు, దాన్ని పండించిన వాడు. ఎంతమందిని భయపెట్టిన వాడి గురించి నాకు తెలియాలి. అది తెలియాలంటే మార్గశిరం మధ్యరాత్రి ఆ ముండు మోతుబరి చేసిన మారణ హోమం తినాలి. ఆయుధంతో విధ్వంసం చేసేవాడు రాక్షసుడు, ఆయుధంతో విధ్వంసం ఆపేవాడు దేవుడు. ఈ దేవుడు మంచోడు కాదు, మొండోడు. सो ये मूवी आ रही है 13th of January 2024 को, तो कुछ ही दिन बाकी है. वो जनवरी में आएगी, तो मतलब बहुत मतलब ट्रेलर ने थोड़ा मुझे लगता है लेट रिलीज़ किया है, थोड़ा पहले करते मे बी, या फिर टीज़र आया ही होगा पहले उसका, तो
तो अभी बात कर ली जाए ट्रेलर की, तो मुझे तो बहुत मतलब अच्छा ट्रेलर लगा। पूरा टाइम बिल्डअप भी चल रहा था जितना मुझे समझ आया। अभी लैंग्वेज की वजह से मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि डायलॉग्स क्या थे, कौन क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या कहना चाहता है, वो तो नहीं समझ आया। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे आइडिया इतना ही आया कि पूरा टाइम कुछ ना बिल्डअप चल रहा था कि वो आएगा कैरेक्टर का, जो मेन कैरेक्टर रहता है ना, कि देखते हैं मूवीज में कुछ एक कैरेक्टर रहता है कोई, तो वो इंट्रोड्यूस करता रहता है कि लाइक मेन कैरेक्टर को कि वो आएगा तो वो ऐसा करेगा, तो कि वो ऐसे है, इतना पावरफुल है, तो उसने ऐसा किया था, उसके कुछ ऐसे पहले के किस्से सुनाते हैं, फिर और फिर जब वो आएगा तो फिर ये कैसा इसको टैकल करेगा, ख़त्म करेगा बुराई का, ये करेगा वो करेगा, तो वो सब ऐसा बिल्डअप दिखाया है। और मे बी वो कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला, रवि तेजा का लुक इज लाइक अनबिलीवेबल। ऐसा लुक था उनका, पूरा लायन के जैसे लग रहे पूरे। एंड द पावर, ये वो उनकी जो पावर दिखाई, तो एग्जैक्टली वो ईगल जैसे ही दिखाए, एकदम फियरलेस। एंड कभी भी किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये ट्रेलर में उनका मुझे पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी, और जो कि मतलब एक हद तक जस्टिफाई भी करता है इस मूवी के टाइटल को। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, एंड पूरी एक्शन पैक्ड मूवी लग रही है ये। फुल फ्लेज्ड एक्शन इसमें दिखाया जाएगा, लाइक वायलेंस तो हो नहीं है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया ट्रेलर, एंड एक डिसेंट ट्रेलर है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही कुछ अलग मैंने देख लिया, कि मुझे बिल्कुल एकदम एक्सपेक्टेशन से अलग कुछ देखना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिसेंट ट्रेलर लगा मुझे, एक्शन बहुत अच्छी है। तो लड़कों को, बॉयज़ को, मेल्स को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड रवि तेजा जी की जो फीमेल फैंस है, वो तो बस उनको देखने के लिए मूवी देख ही लेंगी मेरी तरह। सो आई फील लाइक ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रेलर है। मूवी इज़ रिलीजिंग ऑन 13th of January 2024, तो तब तो देख ही लेंगे कि एग्जैक्टली मूवी क्या है, कैसी ये पूरी स्टोरी लाइन होने वाली है। बेसिक आइडिया तो मिल ही गया है ट्रेलर से कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है मूवी का स्टोरी लाइन। तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपनी प्रतिक्रिया है इस ट्रेलर पे, और मेरी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी ये मूवी के ट्रेलर पे, वो भी ज़रूर बताना। अगर मेरा रिएक्शन ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज में मिलते रहेंगे बाद में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।